अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मौसम बड़ा प्यारा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले दो तीन दिनों से डीजी खान में बारिशें हो रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ ठहरे हुए हैं सऊद भाई, जो कि अभी आए हैं हमारे घर। और सऊद भाई कह रहे हैं कि चलते हैं आपकी ज़मीनों की तरफ चक्कर लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे हाथ में ये रोटियों के टुकड़े हैं, जो कि हम गाय वगैरह के लिए लेके जा रहे हैं, और कुछ डॉग को भी खिलाएंगे। तो अभी चलते हैं सऊद भाई, चलें फिर केक लगाएं, चलते हैं दोस्तों, चक्कर भी लगाते हैं और मौसम भी इंजॉय करते हैं। दोस्तों ये देखें यहाँ पर, ये आज रोड बना रहे हैं भाई साहब इस तरफ, जो कि ये हमारे घरों के साथ आ गई है रोड। अभी मैंने वहाँ से शुरू किया था गदाई के मेन मार्केट से, अभी यहाँ पर नज़दीक आ गया रोड। तो सऊद भाई ज़रा ख्याल से देखे सऊद भाई, ये ड्राइवर लोग हैं, इनको होश नहीं होता। और सुनाओ सऊद भाई, कोई नवी ताज़ी यार? आप बिल्कुल चुप होते हो, ब्लॉग में बात भी नहीं करते। शर्म नहीं किया करो यार, शर्म नहीं किया करो। हमारे साथ अगर आओगे ना तो बात करनी पड़ेगी भाई साहब। चलो करेगा तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। दोस्तों उस तरफ सूरज गुरूब हो रहा है, देखिए कितना प्यारा मंजर है, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त नजारा है दोस्तों। आज सऊद भाई ने भी आईफोन ले लिया है, और देखते हैं आईफोन भी आपको दिखाते हैं सऊद भाई का, तो अभी ट्रीट भी लेंगे सऊद भाई से। दोस्तों ये देखे नहर अभी फुल जा रही है, जब जरूरत होती है, जब के सीजन होता है उस टाइम नहर आता नहीं है, और जब के जरूरत नहीं होता फिर तो नहर फुल चलती है। इस तरफ जा रही है रिवो, सऊद भाई क्या ख्याल है, रिवो ना ले लें लाजमी? बस अभी लेंगे इंशाल्लाह रिवो। अस्सलाम वालेकुम अख्तर भाई, क्या हाल है आपके? ठीक हो, खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह दुआ। अख्तर भाई किधर जा रहे हो? दूध पहुंचाने? अच्छा, और सुनाओ ठीक हो, जानवर वगैरह ठीक हैं? अच्छा अच्छा, ये पकड़ना यार। अख्तर भाई को कोई खर्ची पानी देते हैं पेट्रोल का? और सुनाओ अख्तर भाई, नवी ताज़ी हाल वाल, खैरियत है? चलो अख्तर भाई मेहरबानी, अभी आप जाओ दूध दे आओ, फिर अल्लाह खैर करे हम भी जा रहे हैं फार्म की तरफ। चलो ठीक, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। चलो ठीक। देखिए दोस्तों मौसम कितना प्यारा है, हरे भरे यहाँ पर खेत है। ये फसल है तिल की, तिल की ये फसल है, और माशाल्लाह ज़बरदस्त उग रही है। मुन्नियारा मुन्नियारा, ठीक है ठीक है, जूस जूस जूस। दोस्तों इस तरफ देखे कोई अभी फिलहाल ज़मीन काश्त नहीं हुई, इस तरफ भी गहरा बात है, लेकिन कुछ भाइयों ने यहाँ के जो ज़मींदार हैं उन्होंने तिल काश्त की है, फिलहाल हमने नहीं काश्त की इस साल। छोटी वाली ज़मीन पे हमने काश्त की थी, लेकिन उसका मज़ा नहीं आया जिस तरह के हम चाह रहे थे कि वो उगे, उसकी पैदावार हो, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं उगी। आप देख सकते हैं इस तरफ भी है। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो ये हमसायों की ऊंट है, हमने सोचा आपको भी ये दिखा दे, माशाल्लाह से कितना प्यारा ऊंट है, ये देख लें, चारा वगैरह खा रही है भूसा, ये देख लें दोस्तों उस तरफ कितना प्यारा सूरज है, देखें मौसम भी ज़बरदस्त है।
दोस्तों अभी हम चलते हैं, अभी ड्राइविंग मैं कर रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ टिकटॉक के लिए वीडियोस बनाई थी। और साउद भाई ये क्या यार, चाबी नहीं लग रही। हाँ, इसको आपका तरीका आपको आएगा क्योंकि आपकी बाइक है, आपको इसका अच्छा तरीका आएगा। तो अभी चलते हैं दोस्तों फार्म की तरफ। दोस्तों मौसम चेक करें, व्यू चेक करें, कितना प्यारा है दोस्तों। ये दोस्तों देखें, ये हमने जो है ना चारा काश्त किया था जानवरों के लिए। और इस तरफ ये देखें मकई, ये मकई भी हमने काश्त की है। दोस्तों क्योंकि इस दफ़ा हमारी ज़मीनें जो थी बहुत लेट से फारिग हुई हैं, इसी वजह से हमने फिर और कुछ नहीं काश्त किया। ये देखें और पानी भी लगा हुआ है फसल को, जिसकी वजह से हमने तिल वगैरह काश्त तो नहीं की, तो लेट हो गए थे। ये देखें दोस्तों अभी इनको ये रोटी नज़र आ रही है, इसलिए ये अभी छलांगे मार रही है। इसको देखें, ये टाइगर, और ये है हमारा टॉमी। अभी दोस्तों इनके लिए काफ़ी है, वरना ये तो फिर रात को नींदें करते रहेंगे, ये फिर चौकीदारी नहीं कर सकते। अगर इनको ज़्यादा खिला देंगे तो ये फिर रात को सो जाएंगे, फिर इनको चौकीदारी का होश भी नहीं होगा। हाँ भाई क्या हाल है आपके, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शौकत भाई, ठीक हो? खैरियत है? बिस्मिल्लाह, क्या हाल है सर? ठीक है, खैरियत से? आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल भाई। सुनो क्या हाल है शौकत भाई, ठीक हो? आज काम पे नहीं गया क्या? गया हूँ, थोड़ा वक्त ही आया हूँ तो सर में दर्द। अच्छा, तबीयत का सुनाओ, आपको बुखार था? ना, वो सही है, अभी सही है, लगवाएं तो सही हो। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सुनाएं, कैसे चक्कर लगाया? बस ऐसे यार, हमने सोचा कि फार्म का चक्कर लगाते हैं, विजिट करते हैं, तो अभी आए हैं यहाँ पर फार्म पे। अख्तर भाई भी हमें रास्ते में मिले थे। हाँ वो जा रहा था अपना दूध पहुँचाने के लिए। तो देखें दोस्तों ये फार्म है, आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, ये हमारी मुर्गियाँ फ़िलहाल तो कम बच गई हैं, और फिलहाल जानवर भी बड़े हमारे कम हो गए हैं क्योंकि ईद का सीज़न था। तो दो बछड़े हमने बड़े सेल कर दिए थे और एक गाय भी सेल कर दी थी, जो कि आपको याद होगा पिछले व्लॉग में हमने उसका व्लॉग भी बनाया था। और उसके बाद हमने एक बछड़ा और भी सेल किया है, अभी इंशाल्लाह एक दो गायें हमारे लेने का इरादा है, तो देखते हैं अगर हमें अच्छी गायें मिल जाती हैं तो इंशाल्लाह फिर और गायें भी ख़रीदेंगे दूध के लिए, क्योंकि आपको पता है दूध का निज़ाम भी होना ज़रूरी है। तो आजकल आपको पता है बाहर वाला दूध बंदा नहीं ले सकता, उसमें पहले तो पानी डालते थे, अभी आजकल केमिकल वगैरह डाल रहे हैं दोस्तों। और इस तरफ देखें ये हमारी छोटी बकरियां, मेमने, ये देखें दोस्तों अभी ये माशाल्लाह से दो बड़ी हो गई हैं, बाकी ये छोटी हैं फिलहाल। और इस तरफ भी मेरे ख्याल से अंदर एक अंदर है यहाँ पर, और ये तो आपने देखी होंगी हमारी बकरियाँ। साउद भाई सुनाओ क्या कर रहे हो यार? अच्छा और दोस्तों आपको बताते चलें कि साउद भाई ने भी नया आईफोन लिया है। साउद भाई आपको मुबारक हो। हाँ, साउद भाई ने अभी नया मोबाइल ख़रीदा अपने लिए आईफोन, और इंशाल्लाह ये हमें बहुत जल्दी ट्रीट देंगे। कभी ट्रीट दोगे साउद भाई? जब कहो। हाँ साउद भाई, हम तो ट्रीट जल्दी मांगेंगे, जितना हम तो बोलते हैं आज हो कल हो, आज कल की डेट में आप कर दो।
اور باقی ان کو مبارکباد دیتے ہیں آئی فون کے لیے. یہ دیکھیے میں بھائی صاحب نے ہماری پکچر بھی لی ہے, ماشاء اللہ رزلٹ زبردست ہے اس کا. تو آپ کو تھوڑا سا سین ہم اس میں بھی بنا کے اس میں ایڈ کر دیں گے, دیکھتے ہیں کہ رزلٹ میں کتنا فرق ہے. میرے پاس تو 12 منی ہے, یہ ہے 12 پرو میکس. دیکھتے ہیں آپ ہمیں بھی بتائیں کہ کیا فرق ہے اس میں. تو ظاہری بات ہے جتنے پیسے زیادہ ہوں گے اتنا کوالٹی وائز بھی اچھا ہوگا. تو ابھی کچھ شاٹ ہم اس میں بھی لیں گے تھوڑی دیر بعد, تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں. شک اندرا سے بہر چاہیے دوستوں. یہ پہلے جو ہے نا یہ گم تھا, اور آپ کو بتاتا چلوں یہ جو سین ہمارا چل رہا ہے یہ سعود بھائی کے آئی فون سے ہے, 12 پرو میکس. یہ دیکھیں دوستوں اس کے کام چیک کریں. یہ ابھی اس کے ساتھ پنگے لے رہے ہیں, اور یہ کمزور بھی کافی ہو چکی ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, جب ہمارا یہ ڈاگ بیمار ہوا تھا تو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ان کو کوئی وائرس جانوروں کا آیا ہوا ہے, بلیوں کا اور ڈاگس کا, تو وہی اس کو وائرس لگ گیا. تو الحمدللہ اس کو ہم نے 2-3 دن علاج کیا تھا, لیکن یہ پھر ماشاءاللہ سے سیٹ ہو گیا ہے. ابھی یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کو بھی وہی بیماری لگی ہے کہ اور کوئی بیماری ہے, لیکن ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جب یہ بیمار ہوئی تھی یہ تو بالکل کھانے سے بالکل بیٹھ گئی تھی, یہ کچھ بھی نہیں کھاتی تھی, لیکن یہ ماشاءاللہ اپنا کھا پی اچھی طرح رہی ہے. تو ابھی بھائی نے آ کر ان کو روٹی دی ہے اس کو, دیکھیں دوستوں. اور اس کے کام چیک کریں, یہ اپنی روٹی لے کے علیحدہ ہو جاتا ہے, بالکل علیحدہ ہو کے اپنا وہاں سے. اس کو پتہ ہے کہ یہ دونوں مجھے نہیں چھوڑیں گی, میرا روٹی نہیں چھوڑیں گی بالکل بھی. اس طرف یہ شوکت بھائی پانی لگایا ہوا ہے, شوکت بھائی نے. یہ دیکھیں دوستوں یہ مکئی کو پانی لگایا ہوا ہے شوکت بھائی نے, اور یہ اس وقت نہر کا پانی ہے. نہیں تو عام دنوں میں اگر نہر نہیں ہوتی تو بور کا پانی چلتا ہے یہاں پر, اور بور کا پانی پھر یہ زیادہ فائدہ مند ہے. نہر کا پانی یہ زمینوں کے لیے فصل کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے, تو اسی وجہ سے فی الحال آج نہر بھی تھی. تو ابھی بھائی صاحب نے پانی لگایا ہوا ہے یہاں پر, اور یہ سین جو ہے نا سعود بھائی کے آئی فون سے بن رہا ہے. اور یہ دیکھیں اس طرف سعود بھائی کی بائک ہے, یہ بھائی صاحب اپنی بائک بھی اس طرح رکھتے ہیں دلہن کی طرح. دوستوں اس کو بھوک لگی ہوئی ہے بہت زوروں کی, اس لیے میں نے بھائی کو بولا کہ اور روٹی لے آئے, تو پھر اس کو کھلاتے ہیں اور روٹی. نرمے نے بیار نرمے. دوستوں اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں, ہمیں سپورٹ کریں. انشاءاللہ پھر آپ کو اچھے اچھے ولاگ دیتے رہیں گے. باقی زیادہ ادھر ادھر جاتے تو نہیں ہیں, اگر کدھر ہی کوئی بلوچستان کی طرف ہمارا چکر لگے گا تو انشاءاللہ وہاں کا بھی ولاگ بنائیں گے. آنے والے دنوں میں شاید ہو سکتا ہے فورٹ منڈرو کی طرف ہمارا چکر لگے تو وہاں کا بھی ولاگ بنائیں گے. آج کل تو یہاں فورٹ منڈرو بنا ہوا ہے ٹی جی خان میں. چلو معشوق بھائی ابھی دوستوں دیتے ہیں اس چھوٹو کو. یہ دیکھیں دوستوں یہ گھس گئی ابھی مکئی کے اندر. یہ دیکھیں دوستوں یہ گھاس اگائی ہوئی ہے جانوروں کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے جانور رکھنے ہیں تو اس کے لیے لازمی گھاس کا انتظام ہونا چاہیے, اس کے علاوہ پھر جانور دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے.
घास ज़रूरी है। ये देखें दोस्तों, ये इनमें जो है ना परिंदे आए हुए हैं, पता नहीं अभी इसमें उर्दू में इनको क्या कहते हैं, तो हमारी ज़ुबान में तो इनको बग कहते हैं, अभी पता नहीं आपके ज़ुबान में क्या कहते होंगे। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह मौसम ज़बरदस्त बना हुआ है, मौसम तो VIP आज दोस्तों। ये अगले दिन यहाँ पर बहुत तेज़ों से हवा चली थी, जिसकी वजह से हवा ने नुकसान कर दिया इस दरख्त का। देखें यहाँ से इसने उखाड़ दिया बिल्कुल, और अभी निकाल लो भाई, अभी ये तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। दोस्तों इतनी तेज़ हवा चली है हमारी छोटी ज़रीन वाले ज़मीन पर, उधर भी भाई बता रहे थे कि दो दरख्त तोड़े हवा की वजह से, इधर भी ये देखे नुकसान कर गए। बाकी अल्लाह पाक खैर करे, ये ऐसे नुकसान तो होते रहते हैं। तो ये अभी भाई ले जा रहे हैं अपना घर के इस्तेमाल के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है गैस वगैरह तो है नहीं देहात में, यहाँ पर ये लकड़ियों से गुजारा करना पड़ता है। अभी भाई साहब ले जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, और इस वक्त टाइम हो गया मगरिब का, तो हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं वापस घर की तरफ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।